नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उत्तम। आज इस वीडियो में टेक्नो कैमॉन 18 प्रीमियर स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, लॉन्च डेट सब को डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स, इस टाइम में टेक्नो कैमॉन सीरीज के अंदर काफ़ी अच्छे और कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन को लेकर आती है और इंडिया के अंदर यह काफ़ी बजट कैटेगरी के अंदर अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च करता है। ये भी स्मार्टफोन काफ़ी पावरफुल होने वाला है और सबसे हाईलाइटिंग फीचर इसका होने वाला है गिम्बल कैमरा। इस प्राइस कैटेगरी के अंदर ये मेरे हिसाब से पहला स्मार्टफोन होने वाला है जिसके अंदर हमें गिम्बल कैमरा देखने को मिलेगा। ओवरऑल इसके अंदर हमें प्रोसेसर वाइज और कैमरा वाइज भी काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर करते स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग शुरू की जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेटेस्ट स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू और ढेरों गिवअवेज लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं अपने फ्रेंड की वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर किया है। तो फ्रेंड्स, जैसा लोग देख सकते हैं मेरे सामने ये टेक्नो कैमॉन 18 का बॉक्स है। तो फटाफट से मैं इसके ऊपर से प्लास्टिक रैप को रिमूव कर लेता हूँ और रिमूव करने के बाद देख सकते हैं इसके ऊपर हमें ऊपर की साइड में टेक्नो की ब्रांडिंग कैमॉन और 18 लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें ये हमारा पहला स्मार्टफोन मिल जाता है, उसको रखते हैं हम साइड में। एक पतली सी लीड हटाने के बाद हमें 12+1 मंथ की वारंटी मिल जाती है। ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस मिल जाता है। उसके बाद हमें एक 33 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। USB टाइप ए टू टाइप सी केबल, उसी के ऊपर हमें सिमुलेशन पिन मिल जाता है और हमें एक ईयरफोन भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों रखते हैं साइड में। अब बात करते हैं मेरे अपने स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन के ऊपर से प्लास्टिक रैप को रिमूव करने के बाद देख सकते हैं स्मार्टफोन काफ़ी प्रीमियम और ग्लॉसी लुक देता है। अगर रेयर डिज़ाइन की बात की जाए तो रेयर में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और पीछे हमें ग्लास बॉडी डिज़ाइन देखने को मिलती है। और फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट में हमें सेंट्रल पंचो स्टाइल में डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए, इसके अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो 120Hz के हायर रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 11 के साथ HiOS 8 का सपोर्ट मिल जाता है। और स्मार्टफोन की और प्रोसेसर की बात की जाए, इसके अंदर हमें MediaTek Helio G96 एक लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर हमें माली का G57 एक GPU देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये एक काफ़ी पावरफुल 4G प्रोसेसर है और इसके अंदर हम डे टू डे के सभी टास्क, मल्टीटास्किंग, गेमिंग, नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल वाला प्रोसेसर नहीं है, लेकिन मिड बजट कैटेगरी के अंदर काफ़ी पावरफुल ये प्रोसेसर है। लेकिन इसके अंदर हमें थोड़ी कम बैटरी एफिशिएंसी और हीटिंग इशू देखने को मिलती है। और स्मार्टफोन की मेन इसके कैमराज की बात की जाए तो रेयर में हमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिल जाता है। उसके साथ हमें एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है जिसके अंदर हमें 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट मिल जाता है। उसके साथ हमें एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा कैमरा मिल जाता है और इसके अंदर हमें गिम्बल OS का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। और फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो फ्रंट ये काफ़ी कैमरा फोकस स्मार्टफोन है। इसके अंदर हमें रेयर में काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हमें टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है और ये 60x तक हाइब्रिड जूम सपोर्ट करता है। और इसके अंदर हमें गिम्बल में अंदर काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। आप कुछ वीडियो सैंपल भी देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इस प्राइस कैटेगरी के अंदर कोई स्मार्टफोन नहीं होगा जिसके अंदर हमें गिम्बल का सपोर्ट मिलता है। तो और इसके अंदर हमें लो लाइट के अंदर, डे लाइट के अंदर काफ़ी अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है फ्रंट और रियर कैमरे से। और स्मार्टफोन के अंदर हमें सभी जरूरी सेंसर्स मिल जाते हैं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और स्मार्टफोन के अंदर हमें 4750 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलती है जो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड, स्मार्टफोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द नवंबर मंथ के अंदर लॉन्च हो सकता है। और इसकी अगर प्राइसिंग की बात की जाए, इसकी प्राइसिंग लगभग 20,000 रुपये के आसपास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन के ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए तो फ्रेंड्स, इस प्राइस कैटेगरी के अंदर काफ़ी पावरफुल कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होने वाला है टेक्नो की तरफ से। इसके अंदर हमें एक 4G काफ़ी पावरफुल लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है, अच्छी बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है और इसके अंदर हमें डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, सुपर एंड्रॉइड डिस्प्ले। और मेन से कैमरे के अंदर काफ़ी अच्छा टेलीफोटो लेंस और गिम्बल सपोर्ट मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि आपको स्मार्टफोन के बारे में सभी डिटेल समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।